अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में श्रमिक विकास केंद्र अधिकारी एवं सामाजिक संस्था उपवन ने निजी मंडप चंद्रनगर में घरेलू महिलाओं की समस्या एवं समाधान विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया एवं 100 महिलाओं को माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आयोजक मंडल की ओर से सुधाकर रंजन त्यागी ने आज के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज उपस्थित वर्ग एक बहुत बड़े समाज का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता, उसके विकास का एक बड़ा सहयोगी भी है। किन विकट परिस्थिति में ये वर्ग अपने परिवार को भी अपने श्रम के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सबल प्रदान करता है एवं दूसरों के परिवार को सहज रूप से चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि उसके इस कार्य को ना तो समुचित पारिश्रमिक मिलता है और ना ही सम्मान। आज की इस कार्यशाला के माध्यम से इसका एक समुचित निदान निकालने की छोटी सी कोशिश की जाएगी। मुख्य अतिथि पद से अपने संबोधन में रामचंद्र कन्या विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मधुबाला त्यागी ने आयोजक मंडल को बधाई देते हुए महिला दिवस की बधाई दी एवं उपस्थित महिला वर्ग से अपने बच्चों को अच्छी सच्ची व संस्कारिक शिक्षा देने पर बल दिया एवं उनको उत्प्रेरित किया कि समाज में सबको बराबरी का अधिकार प्राप्त है, बस एक सही दिशा एवं मेहनत से हम भी बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। आज समाज में उदाहरण भरे पड़े हैं कि एक मजदूर की बेटी जिलाधिकारी बन गई है, एक मजदूर की बेटी पुलिस अधीक्षक बन गई है। योगाचार्य सुरेश कश्यप ने स्वास्थ्य के लिए उपयोगी क्रियाओं को सिखाया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JP चंदेल ने महिलाओं के ब्लड प्रेशर शुगर आदि की जांच की। संचालन छाया ने किया। सहयोग जसवंत कौर, AP गौड़, सरदार देवेंद्र सिंह, हीरा सिंह तोमर, सजल गुप्ता, सोहन लाल, मीना वाजपेयी, सविता शर्मा, धीरज पूटिया का रहा। सुधाकर रंजन जी, क्या कार्यक्रम यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें वो घरेलू श्रमिक महिलाएं हैं जो अपने घर पर रहकर काम करती हैं, अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग करती हैं। उन सभी महिलाओं को आज सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, उनकी समस्या को सुनने का काम किया जा रहा है, उनका हेल्थ चेकअप कराया जा रहा है, कुछ मनोरंजन होगा और लंच के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। ठीक है, लगभग कितनी महिलाएं होंगी? लगभग महिलाएं 100 से ऊपर हैं।